नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबरों में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, इसे लेकर यूपी में जमकर सियासत हो रही है। लखनऊ में किसान यात्रा की शुरुआत करने कन्नौज जा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। प्रशासन ने पहले लखनऊ में उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग की थी, जिसके बाद अखिलेश पास में ही धरने में बैठ गए थे, लेकिन अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें इको गार्डन भेज दिया गया। उन्हें वहां कस्टडी में रखा जाएगा, जिसके तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ, जिसमें लिखा था, अन्नदाता से अन्याय के खिलाफ अंतिम सांस तक संघर्षरत रहेंगे समाजवादी। किसान यात्रा को रोकने के लिए सरकार दमन की हर सीमा पार कर रही है। किसानों की आवाज बुलंद करने निकले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को असंवैधानिक तरीके से सीएम के आदेश पर रोके जाना घोर निंदनीय है। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ था, जिसमें लिखा था, जहां तक जाती नजर वहां तक लोग तेरे खिलाफ हैं, ए जुल्मी हाकिम तू किस किस को नजर बंद करेगा। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रही भारतीय किसान यूनियन ने एक अजीबोगरीब मांग रखी है। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों से जुड़ी अन्य मांगों से अलग केंद्र से कहा है कि वह सभी बुद्धिजीवियों और छात्र कार्यकर्ताओं को रिहा करे। इसके साथ ही सरकार को इनके खिलाफ सभी झूठे आरोप भी वापस लेने के लिए कहा है। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों में संघर्ष के अधिकार और स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश को लागू करने को भी शामिल किया है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि भारतीय किसान यूनियन ने सरकार के आगे क्या क्या मांगे रखी हैं। केंद्र सरकार नए कृषि कानून को रद्द करे और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 को वापस ले। पूरे देश में यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लागू करे और आवश्यक वस्तुओं और गैर खाद्य वस्तुओं को भी इसमें शामिल करे। स्वामीनाथन कमीशन द्वारा तय किए गए फॉर्मूले के आधार पर फसलों की कीमत लागू करे। MSP को कानूनी वैधता प्रदान करे। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश लागू की जाए। बड़े कारोबारियों के हित को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए कानूनों को वापस लिया जाए। संघर्ष के अधिकार पर लगी रोक को हटाया जाए। आपको बता दें कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया था, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। इस पूरे आंदोलन को किसान आंदोलन से अलग सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार किसानों की इस मांग को भी बाकी मांगों की तरह नकारती है या फिर इस पर अभी भी सियासत होनी बाकी है। जैसे ही किसान आंदोलन शुरू हुआ, ठीक उसी तरह से सरकार के दुर्विरोधियों ने सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। नई संसद भवन के शिलान्यास से पहले भूमि पूजन का कई विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने कहा है कि इससे पहले सर्वधर्म प्रार्थना होनी चाहिए, लेकिन कई विपक्षी दलों ने सरकार की प्राथमिकता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि PM 10 दिसंबर को संसद भवन की नई इमारत की पूजा करने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई संसद के शिलान्यास करेंगे। नया संसद भवन भूकंप रोधी होगा और इसे 971 करोड़ रुपए की लागत से 64,500 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा, जो कि पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा होगा। इस परियोजना को टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड तैयार कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा सदस्यों के लिए लगभग 888 सीटें होंगी और नए भवन में राज्यसभा सांसदों के लिए 326 से अधिक सीटें होंगी। लोकसभा हॉल में एक साथ 1224 सदस्य बैठ सकेंगे। दिल्ली के शकरपुर से 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। आतंकी इस्लामिक और खालिस्तानी संगठन से जुड़े हैं, साथ ही कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। पुलिस पूछताछ में आतंकियों ने बताया कि पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी और ISI पंजाब में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। इन आतंकियों में कुछ इस्लामिक संगठनों से जुड़े हैं तो कुछ आतंकी खालिस्तानी संगठनों के इशारे पर काम कर रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से हथियार और दूसरी आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। पुलिस इन सभी आतंकियों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल खास खबर में इतना ही। नमस्कार।